हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, महिलाओं को जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता गर्भ धारण करना असंभव हो जाता है, क्योंकि हर महीने महिला के शरीर से दो पीरियड्स के बीच के दिनों में एक एग रिलीज होता है और इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन को करेक्ट करने के लिए, ठीक से ओव्यूलेशन होने के लिए कई तरह की दवाएं भी दी जाती हैं, कई तरह से एक्सरसाइज भी की जाती है, बहुत सारी टिप्स यूट्यूब सहेली चैनल पे हैं। लेकिन कुछ फूड आइटम ऐसे हैं जिनको अगर हम खाते हैं तो ओव्यूलेशन स्वतः ही खुद से बहुत अच्छे से हो जाता है बिना किसी समस्या के। और अगर आप ट्विंस कंसीव करना चाहते हैं तो ओव्यूलेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज ऐसे ही एक बहुत सस्ते आसान फूड आइटम के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि आपके फॉलिकल को मैच्योर होने में हेल्प करता है और आपके ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को और सर्वाइकल म्यूकस बनने की प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आप हमें रोज देख सकें। साथ ही स्वीट पोटैटो से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए कि इसे डायबिटिक पीसीओ के पेशेंट कैसे खा सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं शकरकंद के बारे में, स्वीट पोटैटो के बारे में, जो कि महिलाओं के ओव्यूलेशन को अच्छा करने के लिए, फॉलिकल की मैच्योरिटी के लिए, पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी फूड माना जाता है फर्टिलिटी डाइट में। शकरकंद कई तरह का होता है, जैसे कि व्हाइट, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, रेड, लेकिन आपको जो मिले आप उसे यूज कर सकते हैं। शकरकंद में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन बी ग्रुप के कई सारे विटामिन शकरकंद में पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैरोटीनॉइड्स होते हैं, आयरन बहुत अच्छा होता है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है। आयरन और मैग्नीशियम बच्चेदानी की परत को तैयार करने के लिए, गर्भ धारण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के साथ साथ डिप्रेशन, जो स्ट्रेस हमें होता है, उससे लड़ने में आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता है। शकरकंद एंटी इंफ्लामेटरी होता है, यानी कि आपके लोअर एब्डोमेन पे जो फुलावट, जो इंफ्लामेशन होती है, कई समस्याओं में इंफ्लामेशन की प्रॉब्लम होती है और इंफ्लामेशन की वजह से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन के अंग ठीक से काम नहीं कर पाते, उन तक ब्लड फ्लो, रक्त का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है। तो शकरकंद एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी डायबिटिक भी है। हाँ, शकरकंद एंटी डायबिटिक है, हालांकि ये मीठा होता है, इसके बावजूद भी वो एंटी डायबिटिक है। जो प्री डायबिटिक है, जो डायबिटिक है, जो PCOD के पेशेंट है, वो सभी इसको आराम से खा सकते हैं, लेकिन खाने का सही तरीका मैं आगे बताने वाली हूँ। ये एंटी कैंसर होता है और इसमें बहुत अच्छी क्षमता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने की, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, दोनों ही तरह के फाइबर स्वीट पोटैटो में बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं और ये बहुत इफेक्टिवली, प्रभावी तरीके से शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को, शुगर की समस्या को ठीक करते हैं। स्वीट पोटैटो के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का रोल है कि एग और स्पर्म को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, यानी कि जल्दी खराब होने से बचाते हैं, एक शील्ड की तरह काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि शकरकंद को कब खाना चाहिए और इसको कैसे खाना चाहिए और इसको पकाने में क्या तरीका होना चाहिए। शकरकंद को आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर शाम के समय टी टाइम पे आपको कुछ स्नैक्स खाना है उसमें खा सकते हैं। शकरकंद डेली आप 150 से 200 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं, यानी कि एक कप शकरकंद आप डेली ले सकते हैं। वैरायटी कोई भी जो आपको अवेलेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब एक बार नजर डालते हैं कि इसको हमको कैसे खाना है, पकाना कैसे है, खाने के लिए हमको इसको रेडी कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, शकरकंद को पकाने के तरीके पे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स निर्भर करता है, यानी कि हमको अगर वजन कम करना है तो हमको लो GI फूड खाना चाहिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर विजिट करें, वहां पे आपको बहुत सारे टिप्स डाइट से रिलेटेड मिलती हैं, लो GI फूड के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि आपके PCO को, आपके थायराइड की कंडीशन को, आपकी फर्टिलिटी डाइट को कैसे लेना है समझने में हेल्प करते हैं। तो लो GI डाइट हमेशा रिकमेंड की जाती है और शकरकंद को अगर आप ठीक से पकाते हैं तो ये लो GI फूड में आ जाता है, और लेकिन अगर आप इसको कम पकाते हैं तो ये मीडियम मॉडरेट GI में आ जाता है। अगर आप इसको 30 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाते हैं तो ये लो GI फूड होता है, इसका GI इंडेक्स नीचे आ जाता है, लगभग 45 से 50 के बीच में। लेकिन अगर आप इसको 7 से 8 मिनट तक बहुत तेज आंच पे और बहुत जल्दी कुक कर देते हैं तो ये मीडियम GI के अंदर आता है, 60 अबव इसका GI इंडेक्स हो जाता है। तो आप अगर फर्टिलिटी डाइट ले रहे हैं तो आपके लिए लो GI फूड खाना बेहतर है और इसको आपको मध्यम आंच पे
30 मिनट तक धीमी आंच पे पकाना चाहिए और तब ही इसको कंज्यूम करना चाहिए ताकि ये धीरे धीरे कार्ब्स को रिलीज करे। फ्रेंड्स, फर्टिलिटी डाइट में फर्टिलिटी फूड जो बताए जाते हैं वो इतने रिच होते हैं, इतने प्रभावी होते हैं कि उनको अगर आप नियमित लेते हैं, कम से कम 3 महीने आपको कंसीव करने से पहले जब आप प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तब आपको फर्टिलिटी डाइट फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए। और जब आप इन चीज़ों को नियमित लेते हैं तो इसके पोषण से आपका शरीर जल्दी कंसीव करने के लिए तैयार हो जाता है और आपको बिना किसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के शरीर में बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सर्वाइकल म्यूकस ठीक से नहीं बनती है या ओव्यूलेशन होने में परेशानी आती है तो हमेशा आप ऑल डेज थोड़ी मात्रा में शकरकंद डेली की डाइट में जरूर शामिल कर दें। और इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।